क्या हाल है यार आप सभी के मेरा नाम अक्षय शर्मा देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यार सा चैनल साइकोप्रोलजी और आज हम आ गए हैं यार आप सभी के सामने फाइनली फॉर ऑल ऑफ द डी यू एस ओ स्टूडेंट्स आप लोगों का कल एग्जाम है एंड कल के एग्ज़ाम के लिए वी हैव फाइनली कम अप विद द लास्ट मिनट रिविजन सो वॉट आर वी डूइंग टूडे वी आर डूइंग द लास्ट मिनट रिविजन ठीक है आज हम क्या करेंगे आपको मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे पर हम ऐसी रिविजन करेंगे कि आप एट लीस्ट गुड इनफ मार्क्स तो डेफिनेटली ले आओ तो जो जो बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो जल्दी से और चार्ट बॉक्स को भर दो कि हु ऑल आर रेडी और कितना कितना पढ़ चुके हो चलो चार्ट बॉक्स को तबाही मचा दो हमें एकदम आज क्या करना है एकदम एक्टिव होकर पढ़ाई करेंगे एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे बिना किसी टेंशन के करेंगे ये समझ लो अगर मैं अभी साढ़े आठ आया हूं तो मैं साढ़े दस बजे तक तो डेफिनेटली हूं आपके आसपास यू शुड आस्क योर डाउट्स यू शुड टेल मी आपको क्या चाहिए आई एल बी टेलिंग यू वॉट एवर यू वॉन्ट ओके सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी किस किस को स्ट्रेटेजी चाहिए जल्दी से बताओ किस किस को स्ट्रैटेजी चाहिए बताओ बताओ लाइव चैट में हेलो रेनबो हाय सारा अमन कह रहे हैं यस इन्हें चाहिए बाकी लोग बाकी लोग यस हर्षिता भी कह रही हैं उन्हें चाहिए वेरी गुड चलो गाइज येस येस यस वेरी गुड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज ओके नाउ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी मैं खाली पेज देख रहा हूं इसी पीडीएफ में जो आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं सबसे पहले नाउ सबसे पहली चीज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी किस चीज की स्ट्रैटेजी भाई कि मैं क्वेश्चन कैसे लगाऊं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब देखो आपके पास क्या हो गए फाइव क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी मार्क्स के एंड फाइव क्वेश्चन आएंगे टेन मार्क्स के इसमें से आपको एनी थ्री करने हैं और इसमें से भी आपको एनी थ्री करने हैं आपके पास एग्जाम के अंदर टोटल कितना टाइम है एग्जाम में सिर्फ आपके पास थ्री आर है आपके पास टोटल तीन घंटे है इंपॉर्टेंट पेपर है बहुत सारा है टू राइट मैं आपको बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए ठीक है सबसे पहली बात तो आपको व्हाट टू डू है ना कि भैया एकदम आइडियल क्या होना चाहिए तो भैया आइडियल हमारा सिनेरियो ये होना चाहिए कि मेरे पास थ्री क्वेश्चन हैं ट्वेंटी मार्क्स वाले हर एक को दू फोर्टी मिनट्स इच मैं हर एक को फोर्टी मिनट्स इच दू एंड फॉर द टेन मार्कर्स मेरे पास तीन हैं टेन मार्क्स वाले मैं हर एक को ट्वेंटी मिनट्स ईच दू ओके okay? मैं हर एक को ट्वेंटी मिनट्स ईच दो इफ आई टॉक अबाउट सर लिखना कितना कितना है सो इफ वी टॉक सपोज दिस इज योर वन शीट ओके ऐसे लंबी सी शीट होती है ऐसे 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 सो सपोज दिस इज वन एंड दिस इज टू तो आगे पीछे एक आगे पीछे एक दो राइट right? तो आपको फॉर फोर्टी मिनट्स में आपको नियरली सिक्स टू एट शीट्स भरनी है अभी तक आपने अपने एग्जाम दे दिए होंगे एक बार आप बताओ कि आप ट्वेंटी मार्कर्स में कितनी शीट्स भर पाते हो आप ट्वेंटी मार्कर्स में कितनी शीट्स भर पाते हो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो ओके नाउ नंबर टू नंबर टू ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं टेन मार्कर्स तो टेन मार्कर में लगभग लगभग आपको तीन से चार शीट्स तो भरनी ही है तीन से चार शीट्स आपको भरनी ही है इन टेन मार्कर्स ओके okay? अगर इससे थोड़ा कम जाओगे तो टीचर को मौका मिल जाएगा कि इनसफिशिएंट लिखा है इसके बेसिस पे मार्क्स काट लेने का ठीक है कई बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी स्पीड है कई की स्पीड बहुत कम है अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं अगर आपकी स्पीड स्लो है तो क्या करें बहुत ही रामबाण इलाज बता रहा हूं अगर आपकी स्लो स्पीड ऑफ राइटिंग है देन वॉट टू डू भाई पहली बात तो आपको नंबर वन चीज अपने साथ एक वॉच पहन के जाना गाइस सुपर इंपॉर्टेंट है एक वॉच पहन के जाओगे आपको टाइम का पता लगा रहेगा आप अपनी घड़ी देख के हिसाब से लिखो 40 मिनट इस क्वेश्चन को 20 मिनट इस क्वेश्चन को नंबर टू प्रायोरिटाइज 20 मार्कर्स देखो मैं आपको एक छोटी सी मैथ्स बताता हूं अगर आपने तीन घंटे में अगर आपने तीन घंटे में ट्वेंटी मार्कर तीनों कर लिए और सिर्फ एक टेन मार्कर कर पाए तो आपके पता कितने बनेंगे आपके बनेंगे टोटल सेवेंटी मार्क्स बन जाएंगे राइट right? ट्वेंटी मार्क्स के तीन यानी सिक्सटी और एक टेन मार्कर बट अगर आपने टेन मार्क्स से शुरू किया अब मैं ये क्यों कह रहा हूं टेन मार्क्स से शुरू नहीं करना क्योंकि बच्चे खो जाते हैं लिखते लिखते आप लोग खो जाते हो और जब आप खो जाते हो आपको प्रॉब्लम आ जाती है आप टेन मार्क्स में तीस मिनट दे देते हो टेन मार्क्स में फोर्टी मिनट दे दे हो जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मार्क्स में गई से पच्चीस आपको नहीं देने पच्चीस भी मैं उसको कह रहा हूं जो बहुत ही धीरे दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा जिसमें थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपको देखते ही अंदाधुन आंसर लगाने ओके okay? ना इसको खत्म करके फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे Now, अगर आपने टेन मार्क्स से शुरू किया और आपने तीनों टेन मार्क कर दिया और सिर्फ एक ट्वेंटी मार्कर कर पाए तो आपके कितने तो कि आप okay? खुला खुला लिखो अगर ये शीट है ये इसकी लाइंस डली हुई हैं तो इंस्टेड ऑफ ऐसे 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 से लिखना खुला खुला करके लिखो भाई आपने शीट के पैसे दिए हैं ठीक है ठीके? अगर कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करो तो अमन पहली बात तो आप ख़ुद से पूछो कि कुछ क्यों नहीं पढ़ा ठीक है और ये चीज़ आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी याद रखो नेक्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइकोलॉजी आ रही है और रिसर्च मेथोडोलॉजी आ रही है दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं दोनों में ही अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और एक दिन पहले सोचोगे पढ़ाई कर लेते हैं तो भगवान भी कुछ नहीं बचा सकता ठीक है बस तो भाई पहले तो खुद को पूछो दूसरी चीज़ अब चलो इस प्रॉब्लम में फंस ही गए हो जो कि तुमने खुद ही क्रिएट करी है अपने लिए तो चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं वीडियो लेक्चर पे जाओ 1.52 पॉइंट पे देखो और ऐसे करो एंड बेस्ट रहेगा कि ऐसे वाली टेक्निक भी अपना लो या डोरेमोन की वाली ब्रेड ले लो जो एक साइड पे ऐसे चिपकाए और खा जाओ क्योंकि भाई रात को एक ही तरीका है शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दो नोट्स पे ध्यान दो वीडियो लेक्चर्स पे ध्यान दो जितना लिख सकते हो उतना कर लो ठीक है बस यही कर सकते हो भाई अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा इतने छह महीने में तो ओके okay, लाइक like कर दो गाइस जल्दी से अच्छा आंसर पेपर की लेंथ कैसे बढ़ा और चलो बता देता हूँ सपोज किसी ने कुछ नहीं पढ़ा बस मैं आपको पहले लेंथ इंक्रीज करने का तरीका बताता हूँ उसके बाद वॉट विल बी डूइंग इज उसके बाद हम एनालाइज करेंगे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ रहा है हाउ टू Increase length of your अरे चल क्यों नहीं रहा ये एक सेकेंड अच्छा तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है कोई बात नहीं सो so, कैसे इंक्रीज करें नंबर वन मैंने आपको बताया अपनी शीट में थोड़ी सी हैंड राइटिंग बड़ी कर लो एक छोटी हैंड राइटिंग वाला बंदा एक शीट में बहुत कम लिखता है ऑन द अदर हैंड एक बड़ी हैंडराइटिंग वाला बंदा उसी शीट में कम लिख के भी ज्यादा प्रेजेंट कर देता है मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ सामने वाले टीचर का आपके लिए बस एक यही ओपिनियन बना रहेगा कि भाई मेरे को इसका पेपर चेक करना है अ लॉट ऑफ द टीचर्स सिंपली लुक एट कि आपने कितने मार्क्स भरे हैं कितनी आपने शीटें भरी हैं तो शीटों को बढ़ाने के लिए क्या करो पहली बात तो बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखो नंबर वन नंबर टू जहां पे भी आप लोग ग्राफ बना सको वहां वहां ग्राफ बना दो जहां पे भी ग्राफ बना सको वहां वहां पे आप ग्राफ बना दो जैसे ही आप ग्राफ्स बना दोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा क्यों अरे भैया ग्राफ्स और बताऊ डायग्राम्स और बताऊ आपके वेन डायग्राम और अगर मैं कहूं आपके बुलेट पॉइंट्स ये सब आपकी शीट में जगह खाते हैं ठीक है आप सारे डायग्राम बना दो सपोज आपको इमोशन समझाना है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो इन विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज जहां जहां आप ये सब बना सकते हो बड़ा बड़ा बनाओ फायदा क्या है आप ही की शीट ज्यादा भरेगी और हमारा तो यही मकसद है ना मैक, मैक्स मैक्स टू मैक्स हम शीट भर सकें ज्यादा से ज्यादा शीट भरेगी ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा ज़्यादा से ज्यादा टीचर को लगेगा कि भाई इस बच्चे ने पढ़ाई ज़्यादा करी है ओके सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट नाउ पेपर की लेंथ इंक्रीज कर दी और बता दो छोटी छोटी चीजें बिकॉज को कर दो देर वी कैन से दैट बिकॉज को बदल दो देर फॉर वीक एन से ओके okay? बड़े बड़े शब्दों को बदल दो इज दिस फॉर अपलाइड साइकोलॉजी नहीं शुभम जी दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एग्जाम जो कि ट्वेंटी सिक्स यानी कल है ठीक है जी एक क्वेश्चन में कितने पेज भरे बेटा जी बताया मैंने आपको टेन मार्क्स वाले में मिनिमम तीन और ऑप्टिमम होने चाहिए चार भर दो टेन मार्क वाले में कितने भरो मिनिमम तीन से चार सीटें भर दो और ट्वेंटी मार्क्स वाले में मिनिमम छः से आठ सीटें भरो ठीक है छः से आठ इज अ वेरी आइडियल नंबर दैट यू कैन गो फॉर ओके तो छः से आठ सीट पर आ सकते हो आंसर पॉइंट में लिख दो सुमित नहीं बिल्कुल भी नहीं अगर जो जो सोच रहे ना कि आंसर पॉइंट में लिख दो तो आप बहुत ही बड़ी गलती पे हो बेटा क्योंकि टीचर्स को पसंद नहीं आता कई टीचर्स को जब आप अपना आंसर पॉइंट में लिख देते हो वॉट यू शुड डू इज सेम चीज को पहले पॉइंट्स में लिखो और उसके बाद उसकी एक समरी लिख दो पैराग्राफ में आई नो टाइम कम है बट स्टिल अगर आपको अपने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने हैं तो पॉइंट्स में डाल दो पहले उसके बुलेट और उसको पूरे को पैराग्राफ के अंदर आ, लिख दो तो उसमें आपकी शीट भर जाएगी सेम चीज को आपने दो बार लिख दिया टीचर को भी इंप्रेशन हो जाएगा कैसे कर देना ओके इंपॉर्टेंट डायग्राम में आपको बताऊंगा डेफिनेटली चलो अब हमने ये समझ लिया कि कितना लिखना है क्या लिखना है कैसे लिखना है अच्छा कैसे लिखना पे हमने अभी बात नहीं करी लेट्स टॉक अबाउट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा कौन कौन है जिसने सिलेबस हंड्रेड परसेंट कवर करा है एक बार लिख दो किस किस-किस हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर किया है और किस किस ने एट्टी परसेंट किया है किस किसने सेवेंटी परसेंट किया है किस ने सिर्फ फिफ्टी परसेंट किया है और किस किस ने जीरो परसेंट किया है लिख दो भाई बता दो परसेंट ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट अगेन फिफ्टी परसेंट ठीक है हर्ष पूछ रहे सर जैसे उस टॉपिक से कुछ भी पता है तो सब कुछ लिख दे वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष एंड आई विल बी कमिंग टू दैट हर्ष भी कह रहे पच्चीस परसेंट तो यार तुम लोग तो मतलब श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सी वो है ना हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता ये करके बैठे हो तुम तो अब तुम लोग के लिए बस वो पत्ता लगाना ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है गलत बात है यार टाइम से पढ़ लिया करो कोई बात नहीं सेकेंड सेमेस्टर में हमारी क्लासेज में रहना लाइव क्लासेज में आपको बताया करूँगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारी पर्सनल क्लासेस भी होंगी यहां पे भी होंगी बिल्कुल टेंशन नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर से बी अ लिटिल सीरियस अब जो प्रॉब्लम में पड़े हो अभी समझा देता तो हूँ कैसे बाहर निकलना है अनिता कह रही है यो ओके okay, नाइस nice. <laughs> अब ज्यादा ईजी कुछ है रट्टा मारने के लिए तो यूनिट वन है यूनिट वन के मैं आपको की तरीका बता देता हूं ऐसे तरीका कि आप नियरली सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे बिना याद करें दिस इज द मोस्ट वेग वन ओके उसके बाद अगर आपको पढ़ना है आपको कुछ ऐसा पढ़ के जाना है कि आप सब कुछ लिख सको तो भाई ये पढ़ लो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग रट लो ठीक है ऑब्जर्वेशनल पे भी मत ध्यान दो कॉग्नेटिव पे भी मत ध्यान दो कोई बात नहीं है देन आप बात करो थ्योरीज ऑफ इमोशन को रट लो अच्छे से और ह्यूमनिस्टिक और ये देखो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बस जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना अगर वो इतना भी पढ़ ले तो उसके इतना है पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे ठीक है ठीक है uh, हर्ष पूछ रहे बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी करवाओगे यूट्यूब पर बेटा उसकी हमारी वैसे तो पेड क्लासेस थी बट आई विल बी गिविंग यू फ्री अभी आखिरी वाला सपोर्ट ऑन यूट्यूब सो डोंट वरी इंट्रो के बाद आपका बायो और कॉग्निटिव की दोनों ही क्लासेस चलेंगी कौन मेरे को कॉल करके परेशान कर रहा है लाइव क्लास में मैं अभी सब आया एक सेकेंड में माइक ऑन करता हूँ गाइस ओके जस्ट अ सेकेंड चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब तो ये करके चले जाओ ये समझ लो अभी यूनिट वन अच्छे से बता दूंगा कैसे इसमें नंबर लाने इजीली जेम्स लांच कैनन बार शास्त्रीय सिंगर तीनों इजीली समझा दूंगा एज इट इज मजे से लिखाना ठीक है जी ना hmm, uh, कुछ बता दो टेन परसेंट वाह 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 यार अगर कोविड आ गया था तो कॉलेज भी बंद हो गए या नहीं यह देखो जी बेटा अब तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो अब तो कोविड भी नहीं बचा सकता तुम्हें कल पेपर है ठीक है और लाइक करोगाइज थर्टी थ्री आर वॉचिंग राइट नाउ चलो अब यूनिट वन का बता दे तो सबसे पहली बात तो क्या सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं मैंने आप लेक्चर्स देखो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ड्राइव का लिंक या फिर कोई भी पिछले लेक्चर में खोलो उसमें नीचे ड्राइव है उसके लिंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर कोई बच्चा जिसने मिनिमम से मिनिमम किया है वो ये भी करके चले जाएगा सो इट इज मोर देन गुड भाई इसमें से जो भी पढ़ के जा रहे हो ना सपोज तीन चैप्टर ही करके जा रहे हो तो उन तीनों के एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारी तरफ से फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है ठीक है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ओके okay? चलो अगर मेरा पेन चल जाए ना तो मैं आपको ईजिली समझा दू कि यूनिट वन में क्या क्या, क्या करना है परफेक्ट यहां चल रहा है ठीक है ठीक है चलो जी अब कौन कौन जानना चाहता है यूनिट वन के अंदर सबसे ईजी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे कौन कौन जानना चाहता है ऑल्सो बायोसाइकोलॉजी और कॉगोटिव साइकोलॉजी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो दोनों के दोनों एक साथ वीडियो लेक्चर अवेलेबल है जब आपके पेपर तक के लिए 999 में यहां पे दिख जाएगा आपको दोनों के वीडियो लेक्चर्स जो हमने पूरे छह महीने में करे हैं वो मिल जाएंगे यू कैन डू देम ओके चलो मूविंग अहेड मूविंग अहेड मूविंग अहेड यूनिट वन नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन कर देना सर अरे वही बता रहा हूँ प्लीज डोंट वरी यूनिट वन इज द मोस्ट ईजी वन इसमें क्या लिखना है भाई सिंपल सी बात है वॉट इज साइकोलॉजी पहला क्वेश्चन आएगा वॉट इज साइकोलॉजी एक ही चीज याद रखो स्टडी ऑफ बॉडी माइंड बिहेवियर एक्सेट्रा और मेंटल प्रोसेस बॉडी हटा दो मेंटल प्रोसेसेस माइंड बिहेवियर ओके क्या इसमें याद करने वाली बात है सबसे ईजी तरीका बता तो जहां पे भी यूनिट वन में पूछा हो ए बी सी और ई e को एक्सप्लेन कर दो यार आम रियली सॉरी आम कमिंग बैक ओके जस्ट सेकेंड आई हेव बीन डिस्टर्बिंग अ लॉट ऑफ राइट right. चलो ए बी सी और ई e को एक्सप्लेन कर दो जहां पे भी यूनिट वन में क्वेश्चन आए व्हाट इज ए बी सी और ई e? किसी को पता है किसको पता है ए बी सी और ई e क्या है बहुत ही इजी चीज है ए इज एफेक्ट अब ये एफेक्ट क्या बला होती है भाई एफेक्ट होते हैं योर इमोशन ठीक है साइकोलॉजी की बेसिस क्या है ए बी सी और ई e की स्टडी है नेचर में भी ए बी सी और ई e की स्टडी है स्कोप में भी ए बी सी और ई e की स्टडी को स्कोप में लिख देंगे अभी समझाता हूं कैसे बी क्या होगा गैस करो अरे बिहेवियर सिंपल सी बात है सी क्या होगा कॉग्निशंस कॉग्निशन Cognition क्या होते हैं योर मेंटल प्रोसेसेस, योर थॉट्स ऑल ऑफ देम ये आपके क्या हो गए कॉग्निशंस और ई e होते हैं एक्सपीरियंसेस बस ये आप चार वर्ड्स अगर सीख गए तो यूनिट वन के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी इसे उल्टी कर दोगे तो ये समझ लो नंबर तो नहीं गए भले ही कटेंगे पर ये है कि कुछ नंबर तो डेफिनेटली ले ठीक है जी सर प्लीज एज एन स्टूडेंट ऑफ डी यू आई हेयर बाई रिक्वेस्ट यू पोस्टपोन द एग्जाम हाँ बेटा मैं अपनी तरफ से पोस्टपोन करवा रहा हूं ठीक है चलो डन मैंने पोस्टपोन किया वाह भाई वाह हाँ हाँ मैं ही हूँ भूल गए मैं ही तो हूँ मैं ही तो डी यू एस एल का वो हूँ पूरा चलाने वाला <laughs> चलो भाई ए बी सी एंड ई ए इज एफेक्ट इमोशन क्या लिखोगे साइकोलॉजी के अंदर अरे स्टडी ऑफ पीपल्स इमोशंस हाउ डू पीपल बिहेव हाउ वेरियस इमोशंस बी अब देखो क्या लिखोगे सब में लिख दो वेरियस इमोशंस डिफरेंसेस इन इमोशंस स्टडी ऑफ इमोशंस बस ये सेम चीज यहां पे भी कॉपी कर दो कि भैया बिहेवियर में क्या लिखोगे स्टडी ऑफ पर्सन बिहेवियर देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर अरे कितने प्रकार के बिहेवियर होते हैं राइट right? उन सब की बात कर दो क्या आप नाउ कागनीशंस कॉग्निशन में वॉट आर द वेरियस कॉग्निशन थॉट मेंटल प्रोसेसिस परसेप्शन अटेंशन ठीक है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है सारी यहां पे उल्टी कर दो ई e एक्सपीरियंसेस अरे इंसान के डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े छोटे उन सबको थोड़ा सा विस्तार में लिख दो साइकोलॉजी की स्टडी में भी ये डाल दो व्हाट इज साइकोलॉजी में भी थोड़ा बहुत ये डाल दो ठीक है और जहां जहां पर जरूरी है वहां वहां पर दे दो ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं इफ वी टॉक अबाउट यूनिट वन में नेचर ऑफ साइकोलॉजी जल्दी से दिखा देता हूं और जल्दी से उसके बारे में बात कर लेता हूँ भाई पहली बात तो खाम खा में डरने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं है जब भी आपको बात हो रही है ना नेचर पहली बात तो नेचर का मतलब समझो जिस दिन तुम ये मतलब समझ गए ना उस दिन अपने आप ही तुम एकदम सही आंसर लिख दोगे भाई नेचर का मतलब है साइकोलॉजी क्या है नेचर इज घूमा हुआ शब्द ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजी अरे भाई व्हाट इज साइकोलॉजी में यही चिपका दो कैसे एम आई रॉन्ग एम आई राइट लेट सी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसिस मैंने बोला था स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस मैंने बोला था स्टडी ऑफ बिहेवियर अरे ये लो ये लिखा हुआ स्टडी बस इन्होंने तो, तो यही छोड़ दिया मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ऐड करो कॉग्निशन भी डाल दो एक्सपीरियंसेस भी डाल दो भाई तुम्हें फ्री के नंबर मिल जाएंगे कुछ भी नहीं है ऐवे की हवा बना रखा है ऐवे तुम लोग डरते हो नेचर में क्या लिखना है अरे भाई वॉट इज साइकोलॉजी वट इज साइकोलॉजी में ए बी सी और ई e की स्टडी है एफेक्ट यानी इमोशन की स्टडी है बी मतलब बिहेवियर की स्टडी है सी मतलब कॉग्निशन की स्टडी है ई e मतलब एक्सपीरियंसिस की स्टडी है क्या ये बात क्लियर है एक बार थम्स अप कर दो लाइक like कर दो एक बार लाइक like कर दो फोर्टी टू आर वॉचिंग थर्टी लाइक्स है लाइक like कर दो ओके नाउ मूविंग अहेड नेचर ऑफ इंडियन वर्सेज वेस्टर्न साइकोलॉजी मैं कहूंगा इस पर अभी फोकस मत करो मत करो अभी फोकस जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो तो बिल्कुल फोकस मत करो इस पर ओके क्योंकि ये बहुत ही डिटेल है तुमसे नहीं हो पाएगा नाउ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी अब देखो स्कोप क्या होता है स्कोप का मतलब ये है कि भाई हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं क्या ये वॉट इज साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है एब्सोल्यूटली है ठीक है जी भाई स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज बेसिकली आप साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हो लेट्स सी इन्होंने क्या बोल रखा है वही बातें घुमा के लिखी हुई हैं अच्छा इन्होंने तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया तो सिंपल सी बात है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आप यही डालो कि पहली बात तो साइकोलॉजी uh, में वी ट्राई टू स्टडी एफेक्ट्स वी ट्राई टू स्टडी पीपल्स बिहेवियर वी ट्राई टू स्टडी कॉग्निशंस वी ट्राई टू स्टडी एक्सपीरियंसिस बस इसमें एक छोटी सी बात और आ जाएगी दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी एक छोटा सा टॉपिक इसमें ऐड कर दो और तुम्हारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी डन हो गया ठीक है जी व्हाट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है भाई स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी प्योर साइकोलॉजी क्या होती है अरे वो वाली साइकोलॉजी जो बेसिकली सारी रिसर्चेस पे बेस्ड है जो सारी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट देखो इन, बहुत खूबसूरत यहां पर डायग्राम है इससे समझो अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस मेंटल डिसऑर्डर ये है एक प्योर साइकोलॉजी इसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं राइट पर इसी का अप्लाइड वर्जन क्या है अप्लाइड का मतलब जो दुनिया में लग रहा है जो पीपल को दिख रहा है जो लाइफ के अंदर लग रहा है वो क्या है क्लीनिकल साइकोलॉजी अरे क्लीनिकल साइकोलॉजी में क्या करते हो आप इस प्योर नॉलेज को लेके अप्लाई करते हो इन द डेली वर्ल्ड द प्योर साइकोलॉजी इज ऑल द थ्योरीज ऑल द थियोरिटिकल पार्ट अप्लाइड साइकोलॉजी इज वेन यू अप्लाई दो थ्योरीज इन द रियल वर्ल्ड सोशल साइकोलॉजी बताती है लोग कैसे बिहेव करते हैं आई विटनेस मेमोरी वगैरह की अगर हम बात करें और वहीं पे इसको मैं अप्लाई करूंगा तो क्या बन गया लीगल साइकोलॉजी बन गया भाई मैं दुनिया में साइकोलॉजी लीगली कहाँ पर डाल रहा हूं बस ये एक इसको याद कर लो बहुत भले में रहोगे क्योंकि यही सेम टू सेम ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में आ जाएगा अगर तुम्हें यह भी ना याद रहे ना कि कौन सी साइकोलॉजी क्या है तो ये वाली तो देखो नेम के अंदर ही है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो भैया एजुकेशन से रिलेटेड है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि बंदों के डिसऑर्डर से रिलेटेड है लीगल साइकोलॉजी कोर्ट्स कोर्स से रिलेटेड है मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होगा अरे मिलिट्री में कौन काम करता है आर्मी मैन ट्राइप करते हैं ठीक है आर्मी मैन कौन होते हैं भाई उनकी भी तो लाइफ है उनको भी तो पीटीएसजी वगैरह होता है पीटीएस क्या होता है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जब जंग से लड़के आते हो तो उनका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है राइट दैट्स द थिंग सिंपल आगे बात करें क्रिमिनल साइकोलॉजी एक चोर है एक मर्डरर है उसकी मेंटालिटी पॉलिटिकल साइकोलॉजी बकवास की बात है पैरासाइकोलॉजी बड़ा खूबसूरत सा है स्टडी ऑफ एबनॉर्मल थिंग्स इन द वर्ल्ड ठीक है इट्स द द स्टडी ऑफ थिंग्स इन वर्ल्ड तो पैरासाइकोलॉजी में आता है भूत प्रेतों वाली अगर आप बात करोगे ना वो होती है हाँ बिल्कुल दैट इज द पैरासाइकोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है सबको इसमें बड़ा इंटरेस्ट लगता है पर इतनी ज्यादा भूत प्रेतो एसोसिएटेड होती नहीं है ओके चलो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में यही लिख देना परस्पेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी ये है इंपॉर्टेंट और ये डायग्राम बना देना जब परस्पेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी की बात हो ना ऐसे डायग्राम बना देना और देखो डायग्राम्स का मतलब मैं क्या बता रहा था क्वेश्चन आया व्हाट इज व्हाट आर परसपेक्टिव इन साइकोलॉजी तो आपने लिख दिया परसपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऐसे इसको करके अलग अलग लिख दिए एवल्यूशनरी बायोलॉजिकल बिहेवियरल कॉगनेटिव ह्यूमनिस्टिक साइको हर एक का मतलब क्या क्या है भाई एवोल्यूशनरी कहता है कि हमारे एवोल्यूशन हुआ है और एवोल्यूशन के साथ साथ हमारे साइकोलॉजिकल वेरियस चेंजेस हुए हैं बस सिंपल सी इतनी सी बात है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है हमारा बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप की बात करता है प्रीडोमिनेटली आर ब्रेन भैया कैसे ब्रेन एसोसिएटेड है हमारी किसके साथ हमारी साइकोलॉजी से वो कौन इंसान था जिसके ब्रेन के अंदर एक इंजरी के बाद हमें पता चला दैट वी आर एक्चुअली असोसिएटेड बताओ हमारा ब्रेन इज एक्चुअली असोसिएटेड टू वेरियस मेंटल प्रोसेसेस बताओ वेरियस बिहेवियर्स ठीक है बताओ बताओ कौन सा था वो इंसान क्या थी वो उनकी केस स्टडी बहुत ही ईजी है ये नहीं जानते तो दिक्कत है दो केस स्टडीज याद कर लो अभी बता देता हूँ नंबर वन फीनियस गेज एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है इसलिए बस बता रहा हूं क्या क्या करो नंबर टू के स्टडी ऑफ एच एम ये दो के स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक तीसरी भी एक जगह पे मेंशनड है आपके में लिटिल एल्बर्ट वाली पर वो तो लिटिल एलबर्ट एक्सपेरिमेंट है ऐसे तो बोबोड एक्सपेरिमेंट भी है उन उससे उसको इतना ना भी जानो तो ठीक है पर फीनियस गेज एंड केस स्टडी ऑफ एचएम दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है फीनियस गेज की वजह से ही बिहेवियरल साइकोलॉजी की वो हुई थी और सॉरी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बनी थी ओके क्लियर है इफ वी टॉक अबाउट कॉग्नेटिव अरे हमारे मेंटल प्रोसेसिस की बात करता है वी स्टडी वेरियस मेंटल प्रोसेसेस अगर कभी भी मेंटल प्रोसेसेस लिखने हो तो पूरी कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स लिख देना कौन से कौन से थिंकिंग मेमोरी परसेप्शन अटेंशन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बस इन सबको तुम एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दोगे ना मोर देन अ कंटेंट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का एक सिंपल फंडा बताता हूं मैन वॉन्ट्स uh, एक सेकेंड वॉन्ट्स टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ एक इंसान हमेशा एक फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहता है जिसके अंदर वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना चाहता है ठीक है और वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज वो अपनी लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करना चाहता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है जब वो अपनी लाइफ का पर्पस फाउंड आउट नहीं कर पाता तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है ठीक है तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितने टाइम का लेक्चर है बेटा ये तो लंबा चलेगा ओके लंबा चलेगा सो so जिस जिसको देखना है मैं तो कहूंगा देखते रहो इंपॉर्टेंट है आपका ही फायदा है अगर रिवीजन कर दें तो रिवीजन कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट दिस इज़ अ लिटिल लंबा दस साढ़े दस बजे तक चल जाएगा जब तक हम सारा कुछ रिवाइज एक बार देख रहे हैं ओवरव्यू कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई इसको अभी देख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बायोसाइकोलॉजी और कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में अगर प्रॉब्लम आ रही है दोनों के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है सिर्फ नाइन नाइन्टी नाइन में लेना है तो ले सकते हो कोई वो नहीं है कि लेना ही है लेना चाहो ले सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो ओके okay, कुछ तो फायदा होगा जो जीरो जीरो पर के पढ़ के बैठे हैं उनके लिए नाउ सारे पर्सपेक्टिव अच्छा साइको डायनेमिक क्या कहता है साइको डायनेमिक सिंपल सी बात कहता है कि हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस होता है तीन लेवल्स ऑफ कॉन्शियस होता है हमारे चाइल्डहुड के जितने भी वो होते हैं चाइल्ड की इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंसिस वो हमारी आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाते हैं ठीक है बस इतनी सी बात रखो इड ईगो सुपर ईगो की बात पता है तो लिख देना यार ठीक है अभी मैं किसी को इतना फोर्स भी नहीं कर रहा कि याद करो याद करो याद करो ओके सारे पर्सपेक्टिव देख लिए इसके बाद क्या आता है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी आएगा सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो बस एक्सप्लेन ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी विद एग्जाम्पल सिंपल सी बात है यार अभी रात को पढ़ रहे हो ना तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का हर एक का एक एग्जाम्पल याद कर लो ठीक है सर गरीब है अफोर्ड नहीं कर सकते यूट्यूब पर ही करा देना यूट्यूब पर जो कराऊंगा वो तो मैं करा ही दूंगा ओके बाकी इफ यू वांट टू यू कैन डेफिनेटली बाय ठीक है ह्यूमनिस्टिक में नहीं है हैीत वो साइकोडायनामिक में ओके कुछ भी नहीं है ईगो सुपर ईगो इड ईगो सुपर ईगो हमारी बेसिकली पर्सनैलिटी के तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं ये बात सुन लो आगे जाके आपको काम आएगी नंबर वन इड हमारी मोस्ट इनर लेवल होता है हमारी एनिमल डिजायर्स हमारी इंस्टिंक्ट्स सारे के सारे इसके अंदर होते हैं हमारी सेक्शुअल अग्रेसिव टेंडेंसीज इसके अंदर होती है नंबर टू ईगो जो मैं हूँ मैं अभी आपको जो दिख रहा हूँ और नंबर थ्री सुपर ईगो सुपर ईगो होती है हमारे ऊपर वो एकदम होता है गॉड टाइप्स जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ का प्रचार करवाती है ठीक है सो सुपर ईगो गाइड्स अस टू फुलफिल इड की नीड्स विद द हेल्प ऑफ सुपर ईगो की बातें मतलब इड चाहता है जो भी चाहिए अभी ले लो अभी ले लो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है वो है ना अब इड को चाहिए कि आइसक्रीम खानी है बच्चे के हाथ से छीन लू मैं ये इड सोच रहा है लेकिन सुपर ईगो कहेगा ना 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 ये तो अच्छी बात नहीं है अच्छी बात क्या है कि आप अपनी खुद खा लो तो आपने सुपर ईगो की बात मानी इड की बात पूरी करी खुद खरीद के खा ली दैट यू डू ठीक है ये चीज होती है चलो गाइस बहुत बढ़िया मजा आ रहा है समझ आ रहा है एक बार लाइक कर दो बता दो मेरे को चैट बॉक्स में साइकोलॉजी टुडे कुछ भी नहीं है छोड़ दो इसे। अगर साइकोलॉजी टुडे की बात आए ना दो बातें लिख दो पहली बात तो एक तो लिख दो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक लिख दो स्ट्रेस रिडक्शन एक लिख दो मेडिटेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसी में आ जाएगी और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज बस और कुछ है नहीं ठीक है चलो अपने ने, हमने यूनिट वन ऐसे ही खत्म कर दी यूनिट टू मेमोरी की है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके मेमोरी में बहुत ही कुछ आता है लाइक बहुत ज़्यादा कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर आर दीज ओके ये देखो सो वट इज लर्निंग हाउ इज लर्निंग डिफरेंट अच्छा तो एक सेकेंड अच्छा पहला लर्निंग एंड कंडीशनिंग है राइट देखो सिंपल सी बात बताता हूँ लर्निंग एंड कंडीशनिंग में सबसे पहली बात तो क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत अच्छे से क्लर्क रखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर अगर किसी की डायग्राम बनाने की शक्ति अच्छी है तो यहाँ पे वो कुत्ता सा बना देना ठीक है मेरे को खुद नहीं बनाना आता वो बना सको तो ठीक है ठीक है और उसके ऐसे सलाइवरी ट्यूब लग रही है यहाँ पे फूड रखा हुआ है यहाँ पे घंटी बज रही है ठीक है और डॉगी ने सेलिब्रेट कर दिया ये तो पुअर है बेचारा हम्म तो ये बना देना फायदा होगा टीचर भी खुश हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था इवान पावलोव ने दिया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमारे इनवॉलेंटरी बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं क्या मतलब है इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप चूहे को बटन दबाना सिखा रहे थे अब चूहा अपने दिल से बटन दबा रहा है ठीक है परंतु यहां पे क्या है यहां पे ये है कि भैया यहां पे इनवॉलेंट्री है सेलिवेशन आप सेलिव्रेट कर रहे हो क्या आप अपने जी मर्जी से सेलिव्रेट कर सकते हो करके देखो नहीं कर पाओगे दैट्स द थिंग अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी मैं टाइट ढंग से लिखूंगा ओके नाउ सर इंट्रो टू साइकोलॉजी के बाद इमोशन नहीं नहीं भाई मैं इसी उसमें चलूंगा जिसमें सारे के सारे लिखे हैं दूसरी बात इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग इसका डायग्राम और इसके स्केड्यूल्स ऑफ री अच्छा वो तो स्केड्यूल्स डिफरेंट है आ, ये इंपॉर्टेंट है फिर इसमें स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है पहली स्टेज में अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स कंडीशन रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है ये नंबर टू ऑपरेंट कंडीशनिंग भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में बता दो किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग इसके अंदर वॉलेंटरी बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं और इसके अंदर ही आपका पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव री आती है एक डिफरेंस अभी बता देता हूँ बच्चों को याद नहीं रहता पॉजिटिव री का मतलब होता है व्हेन यू गिव अ रिवॉर्ड टू अ पर्सन फॉर डूइंग द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव री का मतलब है प्रोवाइड सच एन एनवायरमेंट दैट द सब्जेक्ट कैन ओनली एस्केप इट इफ दे प्रोड्यूस द डिजायर डिजायर्ड वॉलेंटरी रिस्पॉन्स क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि नेगेटिव री का मतलब पनिशमेंट नहीं होता पनिशमेंट डिफरेंट चीज़ होती है नेगेटिव री में आप ऐसा एन्वायरमेंट बना देते हो मनुष्य के आसपास कि उसको उस एन्वायरमेंट से बाहर निकलने का मन है और वो सिर्फ तभी निकल सकता है जब वो पॉजिटिव काम करे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा होमवर्क करे तो मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा मैंने आपका फ़ोन छीन लिया है मैं आपको फोन तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करते ओके okay? मैं आपको तब तक आपका फोन वापस नहीं करूंगा जब तक आप अपना काम नहीं करोगे कौन है सर यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है बेटा पढ़ाई कर ले बेटा पढ़ाई कर ले कसम से इस इन चीज़ों से तुम्हारा डी यू एस एल का पेपर तो कतई पास नहीं होगा बेटा ठीक है ही हो गई बैन करो यार ऐसे बच्चों को लो जी लो जी गुड कर लो बेकार की बातें न no. देखो पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई करो मज़े करना कोई मज़े करने की दिक्कत नहीं है आई एम हैप्पी यू गाइज आर एन्जॉइंग आई एम हैप्पी यू गाइज वॉन्ट टू एंजॉय ठीक है पर पॉइंट यही है कि भाई कल तुम्हारा पेपर है तुम अपने लिए ही सीरियस नहीं हो तो मेरा सीरियस होने का को कोई सेंस है नहीं मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तुम हार को यूट्यूब पे ऐसे दे के तुम अपने लिए तो सीरियस हो तुम अपने लिए सीरियस नहीं होगे तो मैं क्या अचार डालूँगा तो भाई जो सीरियस है वो रुके जिसको मजाक करने हैं जिसको यूट्यूब की इनकम पूछनी है जिसको ये पूछना आ रहा है और बताओ वो जा सकता है लेकिन जेनवनली जा सकता है मेरे को कोई लालच नहीं है भाई तुम्हारा ठीक है कोई कुछ नहीं है प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दे लो बेटा एक रियलिटी समझो यू आर स्टडिंग इन ओपन लर्निंग तुम्हारे पास कोई अच्छे टीचर्स ऑलरेडी नहीं होते तो जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता उसकी मैं हेल्प क्यों करूं ठीक है तो भाई सिंपल सी बात है आई एम हेल्पिंग यू द लीस्ट यू कैन डू इज बी सीरियस मज़े करो अरे बातें करो इट्स फाइन मज़े में पढ़ो थोड़े बहुत जोक्स भी करो पर ये बकवास की बातें नहीं ठीक है मैं लिटरली आठ बजे घर आया हूँ वापस आठ बजे एग्जैक्ट आई वॉज आउटसाइड समवेयर एंड मैं तभी आठ बजे की क्लास साढ़े आठ करी मैंने आते ही चेंज करते ही मैं बैठा हूँ आई हैवेंट हैड एनी थिंग मैं सिंपली बैठ गया था आप लोगों के लिए और खाना भी नहीं खाने वाला इसी वजह से कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको तो भाई कर लो क्यों नहीं कर रहे कमिंग बैक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है पर शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ सक अगर छोड़ने का सोच रहे हो कि जी पर ये अगेन वही बात है ना छोड़ेगा वो जिसने पढ़ाई नहीं करी जिसने पढ़ाई करी है वो एप्लीकेशन याद रख लो बहुत ईजी है ओके इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टेन मार्कर्स राइट हर्ष कह रहे हैं सच बात है सर को क्या मिलेगा अगर हम पास हो जाएंगे तो एग्जैक्टली exactly, राइट right? <laughs> जी मैं मेरे मेरे घर में छोड़ना रोटी बनेगी तुम लोग पास हो जाओगे तो मतो मेरे देखो तुम पास नहीं होगे तो मेरे को कुछ नहीं होगा राइट right? तुम पास हो जाओगे तो भी मेरे को कुछ नहीं होगा आई एम जस्ट हेल्पिंग दो स्टूडेंट जो कंसर्न है अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी है इसमें दो चीज़ें याद रख लो पहली बात तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको रट लो बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है यार और किसने दिया है हमारे एल्बर्ट बंडूरा साहब ने हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे एलबर्ट बिंडी उन्होंने दिया है ठीक है और इन्होंने बताया कि कैसे बच्चे अपने आसपास की सोसाइटी से सीखते हैं हम कई चीज़ें अपनी सोसाइटी से सीखते हैं इसकी एप्लीकेशन इसकी रियल लाइफ बताता हूँ बहुत ही इजी तरीके से अरे भाई तुम कभी किसी बड़े मौसम जाओ मौसम या कभी आप किसी चाइनीज़ प्लेस पे जाओ कोरियन प्लेस पे जाओ वहाँ पर आपको चॉपस्टिक सपोज़ यूज़ करनी नहीं आती आप किसी बहुत फैंसी जगह पर गए हो और आपको पता नहीं मैं वहाँ पर कैसे बिहेव करूँ तो क्या करोगे भाई सिंपल सी बात है आप अपना आसपास के लोगों को देखोगे ओह oh, तो ये ऐसे खा रहा है दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग व्हेन यू ऑब्जर्व अदर्स एंड डू दैट इसका एक और एग्जांपल है आप आ, आप चले गए वाह क्या बात है आप चले गए सपोज़ एक कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया और आपका हो गया सपोज़ किसी बहुत फैंसी कॉलेज में सपोज आपका एम में हो गया और आप हो किसी सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर उससे शहर से आप एमिटी में आए आप भी हुक्का हुक्का फूकने लग गए आप भी सिगरेट विक्रेट भूकने लग गए है ना क्योंकि आप वो चीज़ें ऑब्जर्व करके सीख गए दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ओके चलो अगेन अगली वाली है कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव लर्निंग्स में दो चीज़ें हैं पहली चीज क्या है आपकी इनसाइट लर्निंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कोलर का इसके अंदर एक्सपेरिमेंट है और दूसरी चीज है आपकी इनसाइट uh, लर्निंग और दूसरी कौन सी थी दूसरी कौन सी थी दी कॉग्निटिव लर्निंग में एक तो इनसाइट लर्निंग है दूसरी कौन सी है हुँ? लेट एंड लर्निंग वेरी गुड आश वेरी गुड लेट एंड लर्निंग लेट एंड लर्निंग, लर्निंग चूहो वाला एक्सपेरिमेंट रैट रा, मेज एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और इनसाइड लर्निंग में वो चम्पैनजी एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है ये चीजें ऐसी हैं जो कहानियां हैं भाई हमारे लिए कहानियां याद करना इजी है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी कहानी है उसे याद करना इजी है तो भले ही आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग पूरी भूल जाओ ये कहानी तो लिख सकते हो इस कहानी पर आपको नंबर तो डेफिनेटली मिल जाएंगे तो टेंशन किस बात की लेते हो ठीक है बस यही है इनसाइट लर्निंग क्या है इनसाइड लर्निंग का मतलब यह है कि आपको कभी कभी जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता जब आप उसे छोड़ देते हो कुछ समय के लिए सडनली आपको फ्लैश ये बहुत इंपॉर्टेंट है सडनली द सॉल्यूशन एमर्जेस विदाउट एनी रीजन इट जस्ट सडनली एमरजेस एंड दैट इज इनसाइड लर्निंग इनसाइड का मतलब ये एकदम से पता चल गया वो होता है ना जैसे रैंचों को हुआ था थ्री इडियट्स के गाने में मिल गया मिल गया वो इसी वजह से है कि भाई मिल गया मिल गया मतलब इनसाइड लर्निंग कि आपको वो चीज़ अपने आप पता चल गई चिंपांजी वाला एक, एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ था कि ठीक है इसमें क्या था चिंपांजी को केज में रखा हुआ है उसके पास केले रखे हुए लटका दिए अब केले पे वो रीच करने की कोशिश कर रहा है खुद से नहीं चढ़ पा रहा एक स्टिक भी रखी हुई थी उसने स्टिक को पहले यूज नहीं किया कोने में बैठ गया सडनली उसके दिमाग में आइडिया अमर्ज हुआ कि स्टिक यूज करता हूँ उसने स्टिक से मारा केले नीचे आ गए ठीक है तो ये है सर शीट भर नहीं पाती टाइम खत्म हो जाता है और हाथ दर्द भी होता है तो भाई मैं बताता हूँ शीट पूरी भरना शुरू करना पड़ेगा ठीक है पहली बात तो खुला खुल्ला लिखना शुरू कर दो नंबर टू टाइम पे खत्म नहीं हो पाता एक वॉच लेके जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सी वाली वॉच एनालॉग वॉचेस है किसी किस पे किस किस पे एनालॉग वॉच है एक बार बताओ एक एनालॉग वॉच लेके जाया करो ऐसे वाली ऐसे वाली वॉच हर बंदा अपने साथ रखेगा इसमें टाइम मार्क करा करो कि मैंने 9:35 पे पहला क्वेश्चन शुरू किया है तो 40 मिनट्स कब तक होंगे ठीक है वो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनिया कहने फॉसिल की कौन कह रहा है फॉसिल की है हर्ष कह रहा है फॉसिल की है आ, क्या बात है अमीर बच्चे बहुत ही चंगा भाई तो ये टाइम लगा के रखो और हाथ में दर्द होता है तो वही कुछ देर का हाथ का दर्द है अब आपको थोड़ा बहुत तो दर्शन पड़ेगा नो पेन नो गेन तीन घंटे का पेपर लिखने की आदत भी तो नहीं है तुम लोगों को पर एक चीज़ याद रखो जस्ट पास होने की मत सोचो तुम वैसे भी डी यू एस ओ एल में हो सो द लीस्ट वुड बी कि आप बेस्ट अपनी तरफ से करो ओके okay? अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करो ओके ओपन लर्निंग में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक बच्चा जो रेगुलर से कर रहा है उसके उसको आपसे ज़्यादा वो है फायदे हैं आगे जाके भी तो अगर आपको आपका वो तरीका डिफरेंट है ना अगर आप ओपन से पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट अपने लिए वो अच्छा रखो अपनी लर्निंग अच्छी रखो ठीक है नाउ आगे काम करते हैं लेट्स मूव अहेड ओके व्हाट इज लर्निंग वो हु वाज इवान पावलोव ये हो गया अच्छा ये देखो इंटरेस्टिंग मैंने क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए राम मदर हैज मेड हिज फेवरेट डिश एज राम स्मेल इन द रीजन बिहाइंड लग रहा है राम की तो बताओ अब उसको बेचारा सेलिब्रेट करो क्या बात है मजा ही आ गया तो क्यों मजा आ गया भाई क्यों उसको सेलिब्रेशन हो गई बट ऐसी मनमीत में ऐसी जरूरी नहीं है आ जाए पर मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन डाल दिया कि जस्ट बिकॉज अगर आ जाए तो आप लोग कर लो आप सेलिश है इट्स क्लासिकल कंडीशनिंग वाई इज इट क्लासिकल कंडीशनिंग क्योंकि इसमें एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स आ रहा है सेलिवेशन इज नॉट योर वॉल्ट्री रिस्पॉन्स अच्छा मैं यहाँ पे अगर डाल देता दैट राम राम मदर हैज मेड फेवरेट डिश सो दैट बिकॉज राम स्कोर नाइंटी परसेंट इन हिज क्लास टेंथ एंड शी वॉन्ट्स टू मोटिवेट हिम टू वर्क हार्डर इन क्लास इलेवेंथ तो ये कौन सी लर्निंग हो जाएगी इसमें ये कौन सी लर्निंग हो जाएगी कि भाई राम की पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में तो है पर ओवरऑल लर्निंग कौन सी है वेरी गुड यू फाउंड आउट की पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है वेरी गुड ऑपर एंड कंडीशनिंग है वेरी गुड सर केस स्टडी आएगी नहीं भाई जरूरी नहीं है आए 99% परसेंट चांसेस है कि नहीं आएगी ठीक है अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं एक और एक बार आपका एग्जाम्पल दे तो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हो ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ चाइल्ड इज सिटिंग इन अ क्लास एंड ही इज नॉट एंड द टीचर इज वाई क्लासिकल टू स्टिमुलस आर नॉट इनवॉल्व है क्या मतलब एक्सप्लेन करो अपना क्वेश्चन हम्म तो एक बच्चा है क्लास में बैठा है टीचर मैथ्स पढ़ा रही है और वो क्लास में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा लेकिन जब टीचर ने टेस्ट दिया तो उस बच्चे ने सारे की सारी वो जो बातें टीचर ने पढ़ाई थी वो सारी की सारी शीट पे एकदम सही तरीके से लिख दी तो बताओ ये कौन सी लर्निंग है अब ये क्लासिकल भी नहीं है यह ऑपरेंट भी नहीं है ये ऑब्जर्वेशनल लेटेंट और इनसाइड लर्निंग में से कोई एक है ठीक है लेट एंड लर्निंग एप राइट लेट एंड लर्निंग इट इज क्यों क्योंकि बच्चे ने चीज याद कर ली है पर वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा रैट मेज एक्सपेरिमेंट में भी ये था चूहे ने रास्ता याद कर लिया था पर नॉर्मली जब छोड़ा तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा प्रोड्यूस कब कर रहा है जब उसके पास एक मोटिवेशन है टू तो प्रोड्यूस इट तो बच्चे से क्लास में पूछोगे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा पर जब टेस्ट दिया वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है तो दैट इज लेट एंड लर्निंग ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम बट यू आर अनेबल टू सॉल्व इट सो यू लीव इट फॉर टाइम एंड गो ऑन अ वॉक वाइल वॉकिंग यू सडनली रियलाइज रियलाइज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम एंड यू सॉल्व इट इमीजिएटली वॉट काइंड ऑफ लर्निंग आर यू प्रोड्यूसिंग या कौन सी आर यू शोइंग विच काइंड ऑफ लर्निंग यू आर शोइंग इन साइड लर्निंग वेरी गुड मन क्यों क्योंकि आपको सडनली आइडिया प्रोड्यूस हो गया ओके बिल्कुल सही सर so, जो आपने पी दिया है वो ही कर ले बस पास हो जाएंगे अगर बेटा जी आप ये क्वेश्चन वाले कर लोगे तो यस। yes. ये सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो मोर देन पास हो जाओगे ओके okay? ओके <coughs> okay, जी लेसन टू भी डन है लेसन थ्री पे आ रहे हैं व्हाट इज मेमोरी? एटकिंसन शिफरिन मॉडल एंड न्यूरल नेटवर्क मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों मेमोरी को कैसे लिखोगे स्टोरेज एनकोडिंग एंड रिट्रीवल एस ई एंड आर स्टोरेज एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ओके क्या पूछा है सर बता दो क्या बता दो भाई क्या जानना है आपको ट्वेल्थ बहुत क्वेश्चन थे सर केस स्टडी के कोई प्रॉब्लटी की आ जाए नहीं सारा जो अभी तक क्वेश्चंस चल रहे हैं उसमें कोई केस स्टडी तो नहीं दिख रही टीचर्स की बातें जो मेरे बच्चों ने बताई थी मुझे डी यू वाले आपकी ही क्लास में कई सारे बच्चे हैं उन्होंने मेरे को यही बताया था कि टीचर्स ने कहा काफ़ी डायरेक्ट आएगा इस बार ठीक है यस हम सी यू टी यू जी की भी तैयारी कराते हैं बेटा और हम सी यू टी पी जी साइकोलॉजी की भी तैयारी कराते हैं सो इफ एनी वन वॉन्ट्स टू जॉइन एनी ऑफर बैचेज और वॉन्ट टू नो मोर यहाँ पे नीचे आपको ये व्हाट्सएप वाला दिखा है ना एट सेवन डबल सिक्स टू वन ट्रिपल टू सिक्स इस पर आप एक बार व्हाट्सएप कर दो ओके हाँ 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 मेमोरी के लिए भी डायग्राम बना दो कोई दिक्कत नहीं है एडकिंसन शिफरिन में भी डायग्राम बना दो कोई दिक्कत नहीं है भाई डायग्राम तो ऐसी चीज है बस बना दो ठीक है जी नहीं जी यू ऑप्शनल की अभी तैयारी नहीं होती एक दो साल बाद शुरू करेंगे वो न डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड एक्सप्लेन डिटेल्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी में वो इंपॉर्टेंट है वीजो स्पेशल स्केच पैड है ना फोनोलॉजिकल लूप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एक बफर ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस जिसने पढ़ा है उसको पता होगा जिसने नहीं पढ़ा जाके पढ़ाई करो ओके एप्लीकेशन ऑफ मेमरी इन एवरीडे लाइफ हाउ डू यू फॉरगेट फॉर गेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरगेटिंग कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? अच्छा लेसन थ्री बार मैं आपको तेन, वन मार्कर्स भी दिखा देता हूँ ये देखो शॉर्ट नोट ऑन एबिंग सीरियल पोजिशन है तो एबिंग ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है बेटा क्या मैसेज है मेरे को दिख भी तो नहीं रहा पीडीएफ ही कर ले बस जो आपने दिया है कितनी बार बताऊं बेटा जी ये क्वेश्चंस वाला पीडीएफ कर लो और और कुछ नहीं ठीक है जो बाकी के नोट्स वाले पीडीएफ डी है उनमें सारे नोट्स नहीं हैं आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी लाइव लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो बेस्ट ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस को देखो पीडीएफ डी एफ जो आपको बुक का उसमें से देख के याद कर लो ठीक है सिर्फ गर्ल्स के मैसेज पढ़ रहे हैं बेटा मेरे को दिख भी नहीं रहा कि कौन लड़की है कौन लड़का है मेरे को यह भी नहीं पता कि तुम लड़के हो मेरे को तो लड़की ही लग रहे थे चूहे की? बिल्ली की वो लगा रखी है डीपी बताओ नाउ आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट ऑन द एच एम केस बहुत इंपॉर्टेंट है रिट्रीविंग मेमरीज मेमरी फेलियर रिट्रीवल क्यूज है ना इन सब की बात हो रही थी नाउ शॉर्ट नोट ऑन रिट्रीविंग एक्सप्लिसिट मेमरीज एंड विद रिकॉल एंड रिकॉग्निशन छोटा है एंड मेमरी इन एवरीडे लाइफ ये एक टॉपिक है जो दस मार्क्स में बहुत ज़्यादा ईजिली आ जाएगा तो इसको ध्यान से कर लेना गाइज ठीक है इफ इफ वी टॉक अबाउट मोटिवेशन मोटिवेशन वाले में क्या है वॉट इज मोटिवेशन और उसके ये चार इनमें से कोई भी चार को एक्सप्लेन कर दो इसमें क्या है मैंने आपकी सारी चीज़ें डाल दी तो आप ये सारे परस्पेक्टिव अच्छे से पढ़ के हो जाओ ठीक है सारे के सारे परस्पेक्टिव्स अच्छे से पढ़ के जाओ और अगर आप पढ़ के जाओगे तो भाई बहुत ही फायदा होगा स्टिल सपोज किसी को नहीं समझ आ रहे तो कौन से कौन से ईजी वाले हैं मैं बता देता हूँ एवोल्यूशन वाला ईजी है होम्योस्टास ड्राइव छोड़ दो ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव ईजी है कॉग्नेटिव प्रोसेस ईजी है एक दो तीन और चौथा कर लो होम्योस्टासीज एंड ड्राइव वाला कर लो ठीक है कि अगर आपको करने हैं तो ये वाले कर लो इतने सारे नेम याद नहीं हो रहे साइंटिस्ट के छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं हो रहे याद तो इट्स फाइन लीव देम फॉर नाउ इट्स ओके देखो पेपर से जस्ट पहले आपको नहीं करना चाहिए एबिंग का फॉरगेटिंग कर्व पड़ा है ना क्या कहता है वो कि भैया ऐसे निकलती है आपकी पहले एट आवर्स के अंदर आपकी मैक्सिमम वो चले जाती है मेमोरी निकल जाती है वो गायब हो जाती है ठीक है तो पहले आठ घंटे में आप सबसे ज़्यादा चीज़ें भूलते हो तो बिल्कुल भूलोगे तो बहुत ज्यादा तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपका एग्जाम कितने बजेगा इस कल कितने बजे सुबह एग्जाम तो उस चीज़ का टाइम भी नहीं है ना लिखने का और याद करने का नाइन थर्टी है चलोगाई अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बीच में ही बता देता हूँ विच इज फॉर गेटिंग में ही है इट इज साइंटिफिक थिंग दैट स्लीप एक्चुअली इंक्रीजेज मेमरी रिटेनिंग एंड रिकॉल अब मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हो और ये साइकोलॉजिकल तरीके है ये साइंटिफिक फैक्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि सोने से आपको चीजें ज्यादा याद रहती हैं नंबर वन तो आपको टाइमली सोना है साढ़े नौ बजे का पेपर है तो मेरे ख्याल से सब uh, साथ बेटा तुम्हें तो डेफिनेटली पूरी रात पढ़ने की जरूरत है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा वो तो डेफ़िनेटली पूरी रात पढ़ो उनके साथ तो श्री रघुनाथ भी हैं तो भी चिंता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा एक तो तुम भगवान का नाम बर्बाद करना ख़त्म करो तुमने खुद तो पढ़ाई करी नहीं भगवान क्या करेंगे भाई ठीक है नंबर टू जो जो बच्चे ने पढ़ाई कर ली है और वो मैक्सिमम साढ़े बारह बजे तक पढ़ने का सोच रहा है एक बजे तक पढ़ने का सोच रहा है देखो मिनिमम टू मिनिमम फाइव टू सिक्स आवर्स की स्लीप तो लो ही लो मैं ये नहीं कह रहा आठ घंटे सो जी पाँच से छः घंटे सो जाओ एनफ है जिसके लिए जो टाइम सुटेबल रहता है वो उतना सो जाए ठीक है ठेके? पाँच से छ घंटे सोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि जो याद किया वो सारा रह सके नंबर टू अब आपको अपनी memory को रिकॉल करवाना है राइट तो एक चीज़ आपने पढ़ी थी और कही नहीं भी पढ़ी है जिसको कहते हैं हम रिट्रीवल क्यूज भैया retrieval क्यूज क्या होते हैं जब आपको कोई memory को बाहर निकालना है ना तो आपके लिए, आपको कुछ क्यूज होने चाहिए ठीक है लॉन्ग uh, क्वेश्चन थोड़ा लेसन फाइव का दीजिए बता देते हैं श्रेया जी जरूर बताते हैं अभी एक बार देख लो रिट्रीवल क्यूज खुद को दो ठीक है यहाँ बोर्ड्स का प्रेप नहीं हो रहा क्या मतलब क्या पूछना चाहते हो विदिशा हाँ तो भाई रिट्रीवल क्यूज दो बुक खोलो उन जगहों को मार्क करो नोट्स खोलो बार बार नोट्स को ऊपर से देखते जाओ वो होता है ना आपको पेपर से पहले वो एक पेज याद आ जाता है उसी को रिट्रीवल क्यू कहते हैं कि आपने क्या कहाँ लिखा था तो ऐसे रिट्रीवल क्यूज दो खुद को ठीक है अच्छे से सो और नंबर टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि भैया स्ट्रेस से दूर रहो आपको स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहना है स्ट्रेस आई नो होगा ही होगा पर स्ट्रेस से एक्चुअली आपका रिट्रीवल फेलियर बढ़ता है ठीक है बट वो पेज ब्लर रहता है हाँ वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता है ना भाई चलो नहीं विदिशा जी ये बोर्ड की प्रेप का क्लास नहीं है पर बोर्ड्स में तो ये वाले टॉपिक्स आ भी नहीं रहे क्लास ट्वेल्थ की तो बाद में होगी बोर्ड्स की प्रेप और वो चल रही है हमारे पर्सनल क्लासेस में हाँ 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 देखो इन्होंने ना बुक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है ठीक है तो उससे दूर रहो एक क्वेश्चन की हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड भी हैं तो so, अच्छा आई नो क्वेश्चन की क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड भी हैं मतलब समझा नहीं मैं बेटा क्या कहना चाहते हो मेमरी इन एवरीडे लाइफ तो डेली लाइफ से रिलेटेड है चलो लेसन फाइव इमोशन देख लेते हैं वॉट आर इमोशन इमोशन की तीन डिफरेंट थ्योरीज है जेम्स लांच थ्योरी कैनन बार्ड थ्योरी शास्त्र सिंगर थ्योरी बहुत ही ईजी तरीके से बता दो ये हमारी बुक है उसका मैंने पीडीएफ है हमारा साइकोलॉजी बुक है चाहो तो आप लोग ले सकते हो अवेलेबल ऑन एमेजॉन नाउ जेम्स लाइज थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि पहले आपको अराउजल होता है उस अराउजल की वजह से आपको बॉडीली रिस्पॉन्सेज uh, आते हैं और आप उन बॉडीली रिस्पॉन्सेज को देख के उनके बारे में पता लगाना चाहते हो कि uh, उसके एक्चुअली उसके बारे में पता नहीं लगाना चाहते हैं, उसकी वजह से आपको एक इमोशन प्रोड्यूस होता है तो सबसे पहली बात तो आपको पहले अराउजल होता है कि कुछ घटित हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपको सांप दिख गया तो उसका अराउजल हुआ अराउजल का मतलब क्या है आपको पता चला वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप पहली बात आपको पता चला ठीक है hmm, हाँ पहली बात आपको पता चला कि अराउजल हुआ दूसरी बात अब उसकी जैसे आपकी बॉडीली प्रोसेस आ गए हार्ट हार्ट पाउंडिंग हुई दिल में धड़धक धक धक हो गई स्वेटिंग हो गई एंग्जाइटी हो गई ऑल ऑफ दिस हैपन राइट अब इसकी वजह से आपको इमोशन होगा किसकी वजह से इमोशन होगा योर बॉडीली प्रोसेसिस की वजह से आपको इमोशन दिख रहा है ऑन द अदर हैंड ये वाली क्या कह रही है कैनन बार थ्योरी का कह रही है सिंपली कह रही है अराउजल के बाद दोनों चीजें साथ में होती है जब आपको सांप दिखा तो एक तो आपकी बॉडीली फिजिकल रिस्पॉन्सेज आए फाइट वर्सेज फ्लाइट वाले और साथ साथ इमोशन भी आया ये इमोशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फिजियोलॉजिकल थिंग ठीक है इमोशन इज़ नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो उसको आप याद रखो और फाइनली शास्त्र सिंगर थ्योरी क्या कहती है वो सिंपली ये कहती है कि पहली बात आपको अराउजल हुआ कि सांप प्रेजेंट है अब उसके बाद दो चीज़ें होंगी पहली बात तो आपको बॉडीली प्रोसेसेस आए अब ये जो बॉडीली प्रोसेस हुए ना कि आपका दिल में धड़कन हुई आप इनका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो ठीक है और उसको आप एक कॉगनेटिव लेबल देते हो कि भैया ये चीज हुई क्यों मेरा अगर दिल धड़क रहा है धक 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 हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है क्या मेरी बंदी छोड़ गई क्या मेरे को सांप काटने वाला है क्या अमिताभ बच्चन केबीसी के अंदर अब छोड़ रहा है केबीसी खिलवाना क्या रीजन है तो भैया मेरे को दिखा ओ सांप वाला रीजन है तो अब मैंने कॉगनेटिव लेवल दिया कि मेरी लाइफ खतरे में है तो अगर मैंने बोला मेरी लाइफ खतरे में है तो मेरा कौन सा इमोशन आएगा जी फियर वाला अगर मैं बोलूँगा मेरी बंदी छोड़ गई तो तो उस केस में कौन सा इमोशन आएगा हो सकता है ग्रीफ का इमोशन आए हो सकता है एंगर uh, का इमोशन आए हो सकता है सैडनेस uh, का इमोशन आए पर आपका इमोशन विल बी बेस्ड ऑन आप अपनी ये जो बॉडीली प्रोसेसेस है उनको क्या कॉग्निटिव लेबल दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप कॉकनेटिव लेबल दे रहे हो ठीक है नाउके ओके ओके चलो सर दो सेमेस्टर के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए बुक्स बता दीजिए प्लीज ताकि पहले से ही तैयारी करते हम और आप सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट कर देना एक बार आप लोगों के खत्म होंगे ना उसके जस्ट बाद में आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा ओके भूलना मत साइकोप्रोलॉजी पे क्लासेज होती हैं आप लोगों की नाउ आपने तीनों समझ ली सास्टर सिंगर थ्योरी अराउजल है बॉडीली प्रोसेस हुआ उस बॉडीली प्रोसेस का आप रीजन ढूंढते हो और उसको एक मीनिंग देते हो ओके okay, उसको आप एक मीनिंग देते हो उस मीनिंग के बेस पे आपको आपको इमोशन आता है जेम्स लाइन सिंपली कहती है बॉडीली प्रोसेस आपको अराउजल हुआ दिल धड़का दिल के धड़कने से एक इमोशन आ गया सिंपली और ये क्या कह रहा है कैनन बार वो कह रहा है भाई दोनों रिलेटेड नहीं है अराउजल हुआ दिल भी धड़केगा इमोशन भी आएगा एक साथ आएगा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है बस दैट्स इट दैट्स इट इतनी सी चीज है ओके हनी जी पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम बता देना बेचारे तब से पूछ रहे हैं वो पूछ रही हैं तो मैंने बता देता हूँ कौन से कौन से इंपॉर्टेंट है पहली बात तो डायग्राम्स में सीरियल पोजीशन कर्व इंपॉर्टेंट है और बनाना चाहते हो तो बना देना अगर फॉरगेटिंग कर्व बना सकते हो तो फॉरगेटिंग कर्व बना देना और ये सारे के सारे ये देख रहे हो कैनन बार्ड वाला जेम्स लांज वाला ये ऐसे बना देना ये ऐसे लिख देना फायदा आपका ही है टीचर को भी ज़्यादा समझ आएगा और आप भी बता पाओगे कि मेरे को आता है ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन द इंडियन परस्पेक्टिव ऑन इमोशन हिस्ट्री भाई ये है कॉम्प्लेक्स तो अगर किसी ने पूरा पूरा कर रखा है और उसे लग रहा है कि भाई मेरा कुछ छूट रहा है तो भाई इमोशन में इंडियन वाला कर लेना हो सकता है हो सकता है कुछ आ जाए कॉग्नेटिव लेवल का मतलब है दिमाग में आपने एक लेवल दिया आपका दिल तेज तेज धड़क रहा है सपोज तो आप उसको एक रीज़न देते हो ना एक मीनिंग देते हो आपको सडनली दिल धड़कने लग गया तो आप उसका एक कॉज फाइंड करोगे ना दुनिया में भाई ये क्यों हो रहा है तब तो आपको लगता है ओ oh शेड मेरा कल एग्जाम है मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो अब आपको एक फियर वाला एग्जाम आया राइट ऐसे तो आपका जो इमोशन है इट इज़ बेस्ड ऑन क्या आप कॉग्नेटिव लेवल देते हो आपके बॉडीली uh, प्रोसेस को ओके क्लियर है जैसे किसी ने प्रपोज कर दिया बिल्कुल चलो ये पक्का लड़का ही है पहले मेरे को लड़की लग रहा था अभी लड़का ही है चलो एक्सप्लेन द इंडियन परस्पेक्टिव ऑन इमोशन हिस्ट्री और रिसर्च इंपॉर्टेंट है गाइज इस पर अगर क्वेश्चन आ गया बीस मार्कर तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है ये बाद में बातें करेंगे हनी की बर्थ हेड क्या है ऑल राइट अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं गाइज मैं तो कहूँगा ये ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कर लेना सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी अचीवमेंट Maslow. तीन इन तीनों को छोटे छोटे में याद कर लो और उसके बाद कहानियां बना दोगे तो हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इमोशन और उससे रिलेटेड ब्रेन एरिया इंपॉर्टेंट है ठीक है बस चलो अगर आपने इतना भी कर लिया ये पूरा पी कर लिया जो कि आपको मिल जाएगा या तो ईसी वाले के उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेट मी सी क्या इसी के डिस्क्रिप्शन में है hmm, एक सेकेंड मी सी यस आपको गूगल ड्राइव दिख रहा है तो बस उस गूगल ड्राइव के लिंक पे आपको टैप करना है वहां पे मिल जाएगा ये वाला पीडीएफ रात को बैठो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो ओके इट वुड बी मोर देन गुड जब आपका डी बी ए साइकोलॉजी कॉन्टिव साइकोलॉजी किसी को सीरियसली पढ़ाई करनी है किसी को सीरियसली लेक्चर्स देखने हैं तो दे कैन बाई दीज लेक्चर्स व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिखे रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ओके चलो एनी अदर डाउट्स किसी को कोई डाउट्स है तो जल्दी पूछो एनी डाउट्स थर्टी hmm? एट बच्चे आर व्यूइंग राइट नाउ जिस जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दो मजा आया इंपॉर्टेंट था सही था श्रेया रही है, so much, welcome, कह रही हैं थैंक यू सो मच सर अरे वाह मोस्ट वेलकम बेटा ठीक है मनमीत कह रही हैं बिल्कुल जी बिल्कुल चलो फाइनल वर्ड्स में अपनी तरफ से आप लोगों को बोल ही देता हूँ बेटा जी प्रॉपर डेफिनेशन आप उसमें से देख लो ठीक है मैं तो यही कहूँगा क्योंकि अब हमारा भी सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है चलो थोड़े से बड़े हो जाते हैं ओके बड़े हो चुके हैं हम नाउ गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कल का पेपर कैसा भी जाए आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है पहली बात तो क्या उम्मीद नहीं छोड़नी है कि आप अच्छा नहीं कर सकते या बुरा कर सकते हो कुछ भी देखो जिस जिसने पढ़ाई नहीं करी वो उसकी गलती है पर आगे एक और तीन तारीख को आपका एग्ज़ाम है उसमें फोड़ना है ठीक है उसमें अच्छे से फोड़ना है बैक बेंचर ब्लॉक्स पूछ रहे भैया सी यू टी पी जी का बैच चल रहा है क्या बिल्कुल नवंबर से चल रहा है यार बहुत अच्छा बैच चल रहा है हमारा तीन डिफरेंट टीचर्स मेरे ही जैसे उसमें पढ़ा रहे हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगेन व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा इवन अभी तो बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है सिंस हमारे ट्वेंटी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यहाँ पे ठीक है कल का पेपर मज़ेदार करना और बेहतरीन मतलब पेपर में अपने दिल की गहराइयाँ लिख दो बातें करो पेपर में ऐसा एक्सप्लेन करो सामने वाले को समझ आए ढाँ डायग्राम्स बन सकते हैं वहाँ डायग्राम बनाओ बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो छोटे वर्ड्स को बड़ा बड़ा करने की कोशिश करो ये सब करोगे आपकी बहुत अच्छी शीट भरेगी आई नो यू कैन डू इट गुड आई नो डू इट गुड मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है ठीक है अब कॉन्फिडेंस लग रहा है गुड बी कॉन्फिडेंट यार पहला एग्जाम है इट्स ओके आई नो इतना अच्छा कहिएगा नहीं जाएगा ठीक है भाई नहीं कुंजल जी अब आप अपना खुद ही पढ़ लेना ठीक है यार आई टोल्ड यू गाइज एनफ सर 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 नेक्स्ट सेम की क्लासेस के चार्जेस बेटा जो क्लासेस के चार्जेस अभी है ना वही आपके आगे नेक्स्ट सेम की क्लासेस के चार्जेस होंगे ठीक है हाँ ऑल द बेस्ट सभी को नाउ हनी इज आस्किंग इज एस वर्थ इट जिसकी प्रॉब्लम है जिसको नहीं मिल पाया सी यू टी यू जी में उसके लिए इट इज़ वर्थ इट इज बेटर देन इग्नू दैट्स व्हाट आई कैन से क्यों इग्नू में तो एक साल बाद पेपर होते हैं उसमें बच्चे तो सेल्फ डिपेंडेंट ही है यहाँ पे एटलीस्ट थोड़े बहुत आपके पेपर आ तो जाता सामान ठीक है मैं तो यही कहूँगा जिसने डी यू एस ओल ले रखा है इट्स ओके यू विल रियली डू गुड क्या बात है बारिश हो गई यहाँ पे तो वेरी गुड मेरी क्रिसमस गाइज मेरी मेरी क्रिसमस ठीक है चलो कितने कितने हैं अब बेटा सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ है ओके दैट्स द फीस और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ है जो बच्चे पहले महीने के अंदर करते हैं ज्वाइन उनको एक मेजर डिस्काउंट मिलता है ठीक है सो दैट्स ए सीक्रेट आई एम टेलिंग यू गाइज ओके चलो गाइज विद दैट आई लेट टू डे लेक्चर एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन फॉर बायोसाइकोलॉजी भूलना मत इसके बाद बायोसाइकोलॉजी का शुरू कर देंगे सत्ताईस तारीख से रोज रात को आके ठीक है अच्छा कॉगोनेटिव का शुरू कर देंगे और फिर उसका भी देखेंगे क्या करना है आई विल टेल यू मैं आप लोगों के लिए स्केड्यूल डाल दूंगा और नेक्स्ट टाइम से हो सकता है मैं एक नया चैनल ही बना दूँ फॉर डी यू एस ओ साइकोलॉजी हो सकता है यू गाइज टेल मी इफ इट्स अ गुड आइडिया डू टेल मी कि पूरा चैनल सेपरेट ओनली फॉर डी यू एस ओ की साइकोलॉजी सेमेस्टर वन तो हो गया अब सेमेस्टर टू ऐसे ईयर वा, वाइज चलता रहेगा वहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह आ जाएंगे ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं इफ़ यू वांट क्योंकि मैंने सी यू टी पी का भी एक अलग चैनल बना दिया है तो वी आर डाइवर्सिफाइंग इफ़ यू गाइज वुड लाइक दैट डेफिनेटली टेल मी चलो बाय बाय गाइज ऑल द बेस्ट चक दे फट्टे ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट चलो बाय बाय